नमस्कार, विस्मी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। ये भिंडी की सब्ज़ी मैं भरवा भिंडी जैसे बनाऊंगी और बहुत आसानी से बन जाता है और खाने में टेस्ट बहुत ही मज़ेदार आता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाज़ार से भिंडी लाने के बाद से मैं इसको साफ पानी में वॉश कर ली। वॉश करने के बाद से मैं अप और डाउन दोनों साइड से अच्छे से कट कर ली। कट करने के बाद ये मैं थाली में रखी हूँ और अब मैं इसके बीच से चीरा लगाऊंगी। बीच से चीरा लगाने से फ़ायदा ये है कि मैं देख सकती हूँ कि भिंडी हमारी अंदर कीड़े तो नहीं है, क्योंकि भिंडी मोस्टली बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, तो ये चेक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सेम प्रोसेस से सारे भिंडी को कट कर लूँगी और चेक कर लूँगी। भिंडी सारा मैं कट कर ली हूँ और अब मैं इसको साइड में रख दूँगी। मसाले के लिए मैं यहाँ पे ली हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग सूखा मिर्चा, एक गांठ लहसुन का, एक छोटा सा प्याज, आधे इंच अदरक का टुकड़ा, आधा टमाटर। आधे टमाटर को मैं कट कर लूँगी और कट करने के बाद से इसको यूज़ करूँगी। उसके बाद से मैं साबुत धनिया लूँगी, साबुत जीरा, हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। इन सारे मसालों को मैं ग्राइंडर में डालूंगी और इसका पेस्ट बना लूंगी। आप चाहें तो जीरा साबुत है और धनिया भी साबुत है, तो आप उसके जगह पे पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्राइंडर में डालने के बाद से मैं इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लूंगी। मुझे थोड़ा सा पानी की ज़रूरत पड़ा था तो मैं थोड़ा सा पानी यूज़ की और उसके बाद से पेस्ट बना ली। ये पेस्ट दरदरा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पिसा हुआ होना चाहिए और इसको मैं कवर करके साइड में रख दूंगी। इसके बाद से कढ़ाई गर्म हो जाएगा, फिर मैं इसके अंदर सरसों का तेल डालूंगी। आप सरसों के तेल में ही इस सब्ज़ी को बनाएं, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। सरसों का तेल जब गर्म हो जाएगा फिर मैं इसके अंदर भिंडी डाल दूंगी और भिंडी डालने के बाद से मैं इसको फ्राई कर लूंगी। थोड़ा थोड़ा भिंडी करके मैं 3 से 4 बार में फ्राई करूंगी। इस भिंडी का कलर धीरे धीरे चेंज हो जाएगा और आपको जितना क्रंची पसंद है उसके अकॉर्डिंग आप भिंडी को फ्राई करें। मुझे बहुत ज़्यादा क्रंची पसंद नहीं है तो मैं इसको हल्का ही फ्राई करूँगी, तो ये हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा और इसके बाद से मैं इसको दूसरे प्लेट में निकाल लूँगी। सेम प्रोसेस से मैं सारे भिंडी को फ्राई कर लूँगी। सारे भिंडी को फ्राई करने के बाद से तेल ज़्यादा था तो मैं इसको एक अलग कटोरी में निकाल के रख लूँगी और वापस उसी कढ़ाई में मैं एक पिंच जीरा डाल दूँगी। जीरा जब अच्छे से भून जाएगा फिर मैं इसके अंदर मसाला का पेस्ट है वो डाल दूंगी। मसाले का पेस्ट डालने के बाद से अच्छे से इसको भून लूंगी। ग्राइंडर के अंदर मसाला ज़्यादा चिपक गया था तो मैं पानी डाल के उसको अच्छे से खंगाल ली हूँ और खंगालने के बाद से वो पानी कढ़ाई में डाल दूंगी। कढ़ाई में मसाला थोड़ी देर भूनने के बाद से मैं इसके अंदर गर्म मसाला पाउडर डालूंगी। गर्म मसाला पाउडर डालने के बाद से अच्छे से मिक्स करूंगी और मिक्स करने के बाद से 2 से 3 मिनट तक भून लूंगी। भुनने के बाद से मैं इसके अंदर फ्राई किया हुआ भिंडी डाल दूंगी। भिंडी को डालने के बाद से मसाले के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद से गैस का फ्लेम एकदम लो रखना है और इसको कवर करना है, फिर पकाना है, फिर कवर हटाना है, चलाना है, फिर पकाना है। ये प्रोसेस आप लगभग 5 से 8 मिनट तक करें और आपकी भिंडी की सब्ज़ी एकदम मज़ेदार बन के तैयार हो जाएगी। ये भिंडी की सब्ज़ी बन के तैयार हो चुकी है। अगर आपको ये मेरा ईजी सा रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। ये भिंडी की सब्ज़ी आप दाल चावल, रोटी चपाती या पूड़ी किसी के साथ बहुत इंजॉय करके खा सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।